नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल, पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के साकेगढ़ के प्रधान थे, माता माया देवी या महामाया कोलीय वंश की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ पालन मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। पत्नी यशोधरा शाक्य कुल की थी। पुत्र राहुल। ज्ञान प्राप्ति उर्वेला बोधगया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतन के मृग दाव में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। मृत्यु 483 ईसा पूर्व। मृत्युस्थल मलो की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुदोधन शाक्यगढ़ राज के प्रधान थे, जबकि माता महामाया कोलीय वंशज थी। इनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा एवं राहुल थे। 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग कर दिए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभी निष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वे वैशाली पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अलार कलाम नामक संत से हुई, जिनसे वे शाक दर्शन की शिक्षा लिए। वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध राजगीर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। इससे वे योग दर्शन की शिक्षा लिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ आ गए और वहाँ मृगदाव वन में अपने 5 मित्र के साथ तपस्या प्रारंभ कर दिया। तपस्या के 6वें वर्ष के अंतिम समय में सुजाता नामक वन कन्या के बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ छोड़कर बोधगया आ गए और वहां महाबोधि वृक्ष पीपल का पेड़ के नीचे निरंजना नदी फल्गु के किनारे तपस्या पर बैठ गए। और तपस्या के 7वें सप्ताह के अंतिम दिन 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ आए और अपने 5 मित्रों को पहली बार उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, साथ ही सर्वाधिक वर्षा काल में भी यहीं बिताए। भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु पहुँचे, वहाँ पर अपने पिता एवं भाइयों को बौद्ध धर्म में शिक्षा दी। बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश वैशाली में करवाए और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली वह पहली महिला बनी, जबकि दूसरी महिला वैशाली की नगर वधु अमरपाली बनी। बौद्ध संघ महिलाओं का प्रवेश कराते हुए उन्होंने घोषणा की कि अब बौद्ध धर्म 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा। जगह जगह उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुँचे और वहाँ चुंद नामक सुनार के घर में शुकर मांस खा लेने से उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर वहाँ से वे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चले गए और 483 ईसा पूर्व लगभग 80 वर्ष की आयु की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि कलश को 8 भागों में बांट दिया गया, जिसे
अलग अलग स्थान पर दफनाया गया। इन आठों स्थानों को अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने जीवन के चार सत्य को स्वीकार किया था। इन चार सत्य को बौद्ध धर्म में परिप्रीति त्वसम उत्पाद कहा गया। चार का अर्थ दुख समुदाय, दुख निरोग, गामिनी प्रतिपदा और दुख है। संसार दुखमय है, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। प्रत्येक दुख का एक कारण तृष्णा इच्छा है। इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा को वश में रखने के लिए आठ मार्ग अपनाने की बात कहा था, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इसमें अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कल्प, सम्यक वाक, सम्यक कमान, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, ये आठ हैं। महात्मा बुद्ध आत्मा की अस्तित्व को अस्वीकार किए, साथ ही वे ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध अनात्वादी एवं अनेश्वरवादी थे, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म में अपनी आस्था व्यक्त किया और पुनर्जन्म के मुख्य कारण इन्होंने इच्छा या तृष्णा को बताया। बौद्ध धर्म की मान्यता। वैदिक कर्म कांड का विरोध किया, वेदों की अपरूपता का विरोध किया, कर्म पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास किया, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की चर्चा मिलती है, जो निम्नलिखित है। बौद्ध धर्म संघ, त्रिरत्न इसके हो गए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म और सम, ये तीन हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चार बौद्ध सम्मेलन या संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में अज्ञात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन में महात्मा बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद ने सूत पिटक एवं उपाली ने विनय पिटक पुस्तक की रचना की थी। त्रिपिटक, सूत पिटक संकलन आनंद के द्वारा और विनय पिटक संकलन उपाली के द्वारा, अभिधम पिटक संकलन मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सावकमीर या शौकामी के द्वारा किया गया था। इस बौद्ध सम्मेलन बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन होने लगा। वह बौद्ध संघ को एक स्थान पर रहकर प्रचार प्रसार करने में उन्हें महासांगिक कहा गया, जबकि
वह बौद्ध संघ को घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। उसे या उन्हें अस्थावीरवादी कहा गया। तीसरा बौद्ध सम्मेलन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। इन्होंने बौद्ध धर्म के तीसरे पीटक अभिधम पीटक एवं कथा वस्तु की रचना की थी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन प्रथम शताब्दी 100 ईस्वी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष वसुमित्र थे एवं उपाध्यक्ष के पद पर अशोक घोष की नियुक्ति की गई थी। बौद्ध धर्म की संगतियाँ, क्रम, काल, स्थान, अध्यक्ष, शासक। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह सपकर्णी गुफा में हुआ था। पूरण महाकश्यप अध्यक्ष थे, शासक अज्ञात शत्रु थे। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली चुलगम में हुआ था। शौकामी के दो अध्यक्ष थे और काला शोक या काकवर्ण थे शासक। तृतीय 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र के अशोका धाम स्थान था। मोगली पुत्र तीस के द्वारा अध्यक्ष थे और अशोक शासक थे। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कोसी नगर कुंडल ग्राम कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र उपाध्यक्ष अशोक घोष थे, शासक कनिष्क थे। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो भागों में बट गया, एक हीनयान तो दूसरा महायान, एक हीनयान और दूसरा महायान संप्रदाय कहलाए। हीनयान रूढ़िवादी प्रकृति के थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान सुधारवादी प्रकृति के थे। बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में स्थिरवादी या थेरवादी या महासांघिक या सर्वस्थिवादी थे, और चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान हुआ था। खुद कनिष्क महायान धर्म का समर्थन किए थे। बाद में महायान शाखा में भी 6वीं से 8वीं शताब्दी में एक बार पुनः विभाजन हो गया और वज्रयान शाखा का उद्भव हुआ। वज्रयान शाखा को मानने वाले लोग तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करते थे। वह तारा एक महिला है को महात्मा बुद्ध की पत्नी मानकर वह पूजा करने लगा। लगभग 12वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। बौद्ध धर्म के पतन में सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमण को बताया गया है। बौद्ध धर्म सम्मेलन में अध्यक्ष वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जिससे बौद्ध धर्म का विश्वकोश या डिक्शनरी कहा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना अधिकांश पाली भाषा में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध भी इसी भाषा में उपदेश देते थे। बाद में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। हीनयान शाखा वैभाषिक एवं शौत्रांतिक में विभाजित हुआ था। महायान शाखा शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजन हुआ था। शून्यवाद के जनक नागार्जुन थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचना माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रचना की थी, जिसे बाद में आइंस्टीन नामक विद्वान ने सिद्ध किया था। विज्ञानवाद को योगाचार के नाम से भी जाना जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। पल्लव वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, गठन किया था। यहां भी महायान धर्म की शिक्षा दी जाती थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने
भागलपुर के क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यहाँ से ब्रजयान शिक्षा दी जाती थी। महायान शाखा का विकास भारत से बाहर तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया में हुआ, जबकि हीनयान शाखा का विकास बर्मा, श्रीलंका, जावा में हुआ था। बौद्ध धर्म को प्राप्त करने के कई शासक जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाया गया था, जबकि सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनाया गया था। महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक कौशल नरेश प्रसेनजीत एवं मगध शासक बिम्बिसार थे। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक एवं चिन्ह एवं सूचक घटना और प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक गर्भ, हाथी, जन, कमल एवं बैल, महावीर निष्कर्ण यानी गृह त्याग, अश्व, निर्माण यानी ज्ञान, पीपल के वृक्ष, धर्म प्रवर्तन या उपदेश, चक्र, महापरिनिर्माण, मृत्यु यानी अस्तूप। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।